भोपाल के मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लक्ष्मी नारायण पाटीदार के खिलाफ अशोका गार्डन पुलिस ने रेप का केस दर्ज किया है, जहां महिला से अफसर कहता था कि अगर उसे छूने नहीं दिया तो वो मर जाएगा। महिला का आरोप है कि शादी की बात करने पर वो मांग भी भरता था। महिला ने आरोप लगाया कि बिजली कंपनी के गोविंदपुरा स्थित डिवीजन ऑफिस और अन्य जगह 2 साल तक उसने दुष्कर्म किया। अशोका गार्डन पुलिस ने बताया कि 27 साल की महिला का कहना है कि 2.5 साल पहले उसकी मुलाकात लक्ष्मी नारायण पाटीदार से बिजली कंपनी के ऑफिस में हुई थी, जहां दोनों की दोस्ती हो गई। पाटीदार अगस्त 2020 में उसे केरवा डैम घुमाने ले गए थे, यहां उसके साथ भी दुष्कर्म किया। उन्होंने शादी का झांसा भी दिया। मैसेज और व्हाट्सएप पर बात होती थी। महिला का कहना है कि अफसर महादेवपानी, सीहोर, भोजपुर, भीमबेटका और रात में सुनसान रोड पर घुमाने ले जाते थे, जहां पर ज्यादती करते थे। वहीं महिला ने आरोप लगाया है कि पाटीदार ने उसकी मांग भरी और मंगलसूत्र भी पहनाया, लेकिन फोटो नहीं खींचने दिए। पाटीदार कहता था कि मैं तुम्हारा पति हूँ, अगर मुझे छूने नहीं दिया तो मैं मर जाऊंगा। पीड़िता ने बताया कि वो 6 मई को पाटीदार से शादी की बात करने उसके ऑफिस गई, 2.5 घंटे तक हंगामा किया। इसके बाद पाटीदार गाली गलौज करने लगा। इसके साथ ही एक महिला और एक व्यक्ति ने उसे चाकू से मारने की कोशिश की। पीड़िता ने पाटीदार और उसके दोनों सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।